हमारे साथ एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रिंटेन चोजन जी है जो एसएनएम हॉस्पिटल में तैनात है। तो कल एक एक्सीडेंट हुआ था खरदुंगला में, जो एक टूरिस्ट का बहुत क्रिटिकल स्टेज में एसएनएम में एडमिट किया, तो आज उसको एसएनएम के कोऑर्डिनेट करके उसको एयरलिफ्ट कराया। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए कि कल एक एक्सीडेंट हुआ था टूरिस्ट के साथ। हाँ, वैसे तो देखा जाए तो एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे लोकल हो, है ना, या चाहे लेबर हो, कोई भी हो, काफ़ी एक्सीडेंट्स वैसे भी होते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होता है। जैसे इस पेशेंट को, जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, खरदोंगला टॉप से नीचे गिर गए थे, बहुत नीचे खाई में, गौश में, और साथ में शायद वो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा, फिर इमिडिएटली फिर वहाँ से पुलिस आके उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था। तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला, हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजा, लेकिन पुलिस वालों ने भी एकदम से एक्टिवली उन्होंने इवैक्यूएट करके अपने गाड़ी में भेजा था, फिर एम्बुलेंस में शिफ्ट करके यहाँ पे लाया था। तो जैसे यहाँ पहुँचा, फटाफट ऑलरेडी इन्फॉर्म थे तो ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर वहाँ चुक ने उनको अच्छे से असिस किया, सीटी स्कैन वगैरह किया, तो हमें ये पता चला कि इसका स्पाइनल फ्रैक्चर था, फेस में जो मैक्सिलर फ्रैक्चर होता है फेस बोन में, वो फ्रैक्चर था, फिर बोथ लेग्स फ्रैक्चर था, उसकी वजह से उसको साथ में क्वेटी पैरालिसिस भी था, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी जो है, जैसे हमें सबको पता है कि वो बहुत क्रिटिकल होता है, ट्रांसपोर्टेशन अगर हम अच्छे से नहीं करें, सर्वाइकल हम सपोर्ट ना दे, हमारी वजह से भी जो ट्रांसफ़र करते हैं लोग, उनकी वजह से भी डैमेज होने का चांसेस होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ लाने के बाद जब हमने पता किया कि अब इसको हम कैसे शिफ्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्पाइनल सर्जरी नहीं होती है, यहाँ पे बाकी ऑर्थोपेडिक सारा वो हो जाता है, यहाँ पे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिम्स में फ्रैक्चर हो कहीं भी उसका हो जाता है, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर के लिए यहाँ पे स्पाइनल सर्जरी की जो ज़रूरत होती है, जो बैकअप इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे नहीं है, तो वो बहुत इमरजेंसी में उनको शिफ्ट करना ज़रूरी था। और कंडीशन ऑलमोस्ट, वो तो शॉक में जा रहे थे, तो हमने सोचा कि ये सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन सब ने कोशिश करने के बाद, आईसीयू में एडमिशन था, थ्रू आउट कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग के बाद जब सुबह स्टेबल हो गया थोड़ा सा, तो हम पहले से ही चाह रहे थे कि हम इसको एयरलिफ्ट करें। तो हम सबको पता है कि एयरलिफ्ट के लिए हम हमेशा यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को हम अप्रोच करते हैं, तो हमने फटाफट अपने कागज़ वगज रेडी किया, तो डीसी साहब के ऑफिस से हमने कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने भी रात को फटाफट सब कुछ, उन्होंने बोला कि फॉर्मेलिटीज़ कर लो, हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। तो हमने सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किए रात को 1-2 बजे तक, फिर सर ने भी आगे एकदम से इन्फॉर्मेशन दे दिया डीफकॉम को आगे, फिर मेरे ख्याल से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक भी जाता है ऊपर से। फाइनली फिर बहुत कोशिश करने के बाद फिर एयरलिफ्ट हुआ आज उसका। तो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा टेक ऑफ होने में टाइम लगा। तो बेसिकली उस पेशेंट के साथ कोई भी नहीं था, मतलब उसका अपना कुछ नहीं था, जो भी उसको एकम्पनी कर रहा था वो टेम्पररी 1-2 दिन में मिले हुए थे, मतलब ऐसे ही मिला हुआ था। तो न घर वालों से कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हर जगह से हम पता कर रहे थे कि कोई एक कोई कांटेक्ट अगर कोई मिल जाता, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल लेने वाला नहीं था बंदा यहाँ पे। तो फिर हमने अपने एक आईसीयू ट्रेन स्टाफ नर्स जो बेचारी ड्यूटी पे थी, ऊपर से फिर उसको फिर हमने हेली के थ्रू उसको असिस्ट करने के लिए विद ऑक्सीजन और स्ट्रेचर के साथ हमने अभी इंडियन एयरफोर्स ने वो अभी एयरलिफ्ट किया उनको। डॉक्टर साहब, जो एयरफोर्स को आप लोगों ने अप्रोच किया तो बहुत ही जल्दी ये सब वहाँ से दिल्ली से भी परमिशन आया, तो बहुत ही विद इन 24 आवर्स ये सब पॉसिबल हुआ। हाँ, इसके लिए बिल्कुल, इसके लिए ना मैं सब जितने भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्होंने सपोर्ट दिया, जैसे डीसी ऑफिस के पूरे ऑफिस वालों ने, नोडल ऑफिसर जो कोऑर्डिनेट करते हैं इसमें, जैसे का उत्तर अतौला सर है और सर सोनम, सब ने मतलब बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया रात भर, तो इसलिए मेरे ख्याल से पॉसिबल हुआ। मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमें तो बार बार फिर पेशेंट एयरलिफ्ट करना होता, तो मैं ये कोशिश मतलब थैंक यू भी बोलूँगी, और साथ में आइंदा भी ऐसे ही जल्दी एयरलिफ्ट हो तो वो सबके लिए बेटर है, पेशेंट के लिए और सबके लिए। थैंक यू सो मच।